हाउ टू मेक 3D टेक्स्ट इन अडोब फोटोशॉप जस्ट इन 2 मिनट्स। जी हाँ, अडोब फोटोशॉप पर आप किस तरह से 2 मिनट के अंदर 3D टेक्स्ट बना सकते हैं। तो आज की इस वीडियो का हमारा टॉपिक ये है कि आप किस तरह से अडोब फोटोशॉप पर 3D टेक्स्ट बना सकते हैं बहुत ही क्विकली। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जी तो यहाँ पे मैं आ चुका हूँ Adobe Photoshop के अंदर। तो यहाँ पे आपने न्यू कैनवास क्रिएट कर लेना है। आपने न्यू कैनवास कैसे क्रिएट करना है वो आपको पता है। फाइल में जाके न्यू पे आपने न्यू कैनवास अपने साइज के मुताबिक इसको यहाँ पे जनरेट कर लेना है। मतलब यहाँ पे आपने एक न्यू पेज बना लेना है, ठीक है। तो इसके अंदर मैंने एक रेक्टेंगल ड्रॉ की है, वो मैं आपको चेक करवा देता हूँ। ये रेक्टेंगल है, मैंने इसके अंदर ड्रॉ की है। आपने इसकी साइड्स और मिड इसका आपने चेक कर लेना है, ठीक है। इसके अलावा इसके अंदर मैंने एक टेक्स्ट भी लिख के रखा है ताकि जल्दी से मैं आपको बता सकूं कि इसके अंदर आपने 3D टेक्स्ट किस तरह से बनाना है, ठीक है। ये एक टेक्स्ट है, इसके अंदर मैंने ये ड्रॉ किया है। अब बात करते हैं कि इसको हमने 3D कैसे बनाना है, ठीक है। 3D बनाना बहुत ही सिंपल है, ठीक है। इस पे आपने क्लिक करना है, इस तरह से टेक्स्ट पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपने आ जाना है कि इस टेक्स्ट की आप देख सकते हैं सिलेक्शन हो चुकी है। इस पे आपने डबल क्लिक कर देना है। डबल क्लिक यहाँ पे जैसे ही आप करेंगे तो इस तरह से आपके पास एक न्यू विंडो आ जाएगी, ठीक है। यहाँ पे आपने क्या करना है, आपने एंड पे ड्रॉप शेडो पे क्लिक कर देना है। ड्रॉप शेडो पे क्लिक करना है और यहाँ पे मैं आपको चेक करवा देता हूँ। सबसे पहले ब्लेंड मोड आपने नॉर्मल रखना है। ब्लेंड मोड मैंने नॉर्मल रखा। अगर यहाँ पे आपका यूज ग्लोबल लाइट पे टिक है आपने इसको अनटिक कर देना है। जैसे ये है आपने इसको यहाँ पे अनटिक कर देना है, ठीक है। इसके अलावा ये आपका यहाँ पे होगा एंगल या यहाँ पे होगा, मैं इसको अपनी मर्जी के मुताबिक यहाँ पे मैंने इसको 0 पे सेट किया है। आप इसको अपनी मर्जी के मुताबिक जहाँ पे मर्जी कर सकते हैं, राइट पे कर सकते हैं, लेफ्ट पे कर सकते हैं। तो मैं इसको फिलहाल 0 पे रहने देता हूँ, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे इसका मैंने डिस्टेंस 57 पे रखा है। यहाँ पे आपने इसका डिस्टेंस अपनी मर्जी के मुताबिक ज़्यादा या कम कर लेना है। मैं इसको फिलहाल यहाँ पे 57 पे ही रहने देता हूँ, ठीक है। इसके बाद ये देखिए यहाँ पे तकरीबन मेरे पास टेक्स्ट 3D बन चुका है। लेकिन इसको अगर हमने मजीद अच्छा बनाना है तो वो आपने किस तरह से बनाना है, तो यहाँ पे आपको इनर शेडो मिल जाएगा, आपको यहाँ पे ये एक मिलेगा। आपने परेशान नहीं होना, अगर आपने दूसरा भी बनाना है तो आपने प्लस पे क्लिक करके दूसरा बना लेना, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इनर शेडो पे क्लिक करता हूँ। ये देखिए इनर शेडो पे मैंने क्लिक किया तो इस तरह से ये रेड हो चुका है। आपने यहाँ पे इसका ब्लेंड मोड भी नॉर्मल रहने देना है। एक चीज आपने इसके अंदर क्लियर करनी है कि आपने हमेशा कलर्स की कॉम्बिनेशन का ख्याल लाजमी रखना है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे इसका डिस्टेंस 400 है, साइज इसका जो है वो 250 है। इसको मैं कम कर दूं, ठीक है, कोई मसला नहीं है। इसको मैं यहाँ पे जितना मर्जी कम कर दूं, ये कम क्यों नहीं हो रहा इतनी डिटेल में मैं आपको नहीं बताऊंगा। फिलहाल आपने यहाँ पे इनर शेडो इसका क्लिक कर लेना है, ठीक है। इनर शेडो आपने किसी भी कलर का यहाँ पे लगा लेना है, ठीक है। इनर शेडो जैसे ही आप लगाएंगे यहाँ पे आपने स्ट्रोक पे क्लिक कर देना है। स्ट्रोक पे मैं क्लिक करता हूँ, ये देखें यहाँ पे हमारे पास बहुत ही प्यारा 3D टेक्स्ट बन चुका है। आपने ये नहीं कमेंट करना कि 2 मिनट से प्लस टाइम हो गया है, मैंने 1 मिनट के अंदर ही बता दिया था। सबसे पहले ये देखें यहाँ पे जब आपने देखा था, सबसे पहले आपको 1 मिनट से पहले ही 3D टेक्स्ट मिल गया है। आप यहाँ पे अपने कलर्स के मुताबिक सेट कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको मजीद इसकी डिटेल बता रहा हूँ तो आपको यहाँ पे टाइम देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो इस तरह से आप Adobe Photoshop के अंदर 3D टेक्स्ट को ईजिली बना सकते हैं। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही ईजी है। अगर आप इसके अंदर मजीद इसकी चेंजिंग्स करना चाहते हैं तो वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताऊंगा। आज की इस वीडियो में यहां तक की था, आपको 3D टेक्स्ट की समझ लग चुकी होगी कि किस तरह से 3D टेक्स्ट जो है वो Adobe Photoshop के अंदर क्रिएट करते हैं। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही इजी है। तो आप इस तरह से Adobe Photoshop के अंदर कोई भी टेक्स्ट को 3D आप इजीली बना सकते हैं। जी तो व्यूअर्स, वीडियो आपको कैसी लगी है कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइएगा। इस तरह की मजीद वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल के आइकन पर लाजमी से क्लिक कर दीजिएगा ताकि मेरी लेटेस्ट नहीं आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुंचता रहे। तो आज की इस वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। सो गुड बाय।